हुकूमत गिराने का अजम लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क्यादत में अवामी मार्च ओकाड़ा पहुंच गया। नुमाइंदा ग्रीन न्यूज मोहम्मद आसिफ खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद इनसे जानते हैं। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या जोशो जज्बा है चियालों का? ओकाड़ा में इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारवा बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में पहुंच चुका है। दीगर रहनुमा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी साथ मौजूद है। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें और हजारों की तादाद में अवाम का जुम्मे गफीर यहां पे देखा जा सकता है। यहां मौजूद पीपल्स पार्टी के जयालों से बात करेंगे, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जी आप इस हवाले से आज के दिन के हवाले? जी सलमान कुरैशी, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओकाड़ा सिटी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिलावल भुट्टो सरदारी को ओकाड़ा की आवाम ने वार्म वेलकम किया है, ये इस बात की गमाजी है कि ओकाड़ा कल भी भुट्टो का शहर था, आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का शहर है। और ओकाड़ा के कारकुनान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के इस काफिले में उनके साथ शामिल होकर इस्लामाबाद तक जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ये जो जाली सिलेक्टेड हुक्मरान हम पर मुसल्लत है, ये हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। सर, मैं बलूचिस्तान से हूँ, प्रोफेसर इकबाल मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग बलूचिस्तान से। तो हम इस काफिले के साथ आए हैं बलूचिस्तान से, बहुत बड़ी तादाद में। हमारा पीपल्स पार्टी के साथ नज़रियाती वाबस्तगी है, हम उस नज़रिए के साथ, उस सोच के साथ है। इससे ये जाहिर होता है कि ये जो मौजूदा सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, नाइल गवर्नमेंट है, उससे आवाम बेजार हो चुका है और आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तमाम शहरों से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, तमाम के तमाम लोग घरों से, शहरों से निकल करके इस रैली में शामिल हो चुके हैं। और अभी हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में एक जमहूरी इनकलाब आएगा और बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत कर रहे हैं और आवाम के खुशहाली का सूरज तुलू हो चुका है इंशाल्लाह। हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग के प्रेसिडेंट हूँ मैं। इंशाल्लाह इनकलाब लाने निकला हूँ। हम सारे पाकिस्तान के लोगों से और ओकाड़ा के आवाम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इंकलाब में हमारे शाना बशाना हो जाएंगे और इस सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे तक हमारे साथ देंगे। बिल्कुल, जैसे ये लोग इसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि जिस अज़म के लिए निकले हैं, हुकूमत गिराने का अज़म लेके ये निकले हुए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओकाड़ा का जो है काफिला, यहाँ के MNA सज्जादुल हसन की क्यादत में काफिला जो है वो भी इस कारवां का हिस्सा बनेगा। यहाँ से खासी तादाद में जो है जयाले इनके साथ जा रहे हैं और इनका यही अज़म है कि ये हुकूमत गिरा के वापस होंगे। जी